मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप उपरेती जी, इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्षद के हेतु श्रीमती शशि जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वार्ड से पार्षद पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती शशि जी को, जो हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हीरा जी हैं, उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया और महापौर यानी मेयर पद के लिए हेमलता कुशवाहा जी को बनाया है। ये लोकल सरकार होती है, जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उनके पूरा कराने के लिए, जो प्रतिनिधि आप चुनते हैं वो पार्षद होता है और मेयर होता है। लखनऊ के कामों के लिए जो प्रतिनिधि आप चुनते हैं, आपने मुझे चुना, वो विधायक होता है। और दिल्ली सरकार से काम कराने हैं तो जो प्रतिनिधि चुनते हैं उसके लिए सांसद होता है, जो हमारे यहाँ एसपी सिंह बघेल साहब। तो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई नगर निगम, जो दिन प्रतिदिन के आपके काम होते हैं, उनको चुनने के लिए आप शशि जी को और महापौर के लिए हेमलता जी को वोट देने जाएंगे। वोट क्यों दें हम लोग, पार्टी को क्यों दें या प्रत्याशी को ही क्यों दें, उसके लिए मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा आपके सामने। और तराजू में तोलिएगा कि और लोग भी आएंगे आपके पास और पार्टियां भी आएंगे आपके पास, लेकिन किसने आपके लिए क्या किया? अगर वोट देने की बात आती है तो सबसे पहले उस पार्टी की लीडरशिप को देखा जाता है कि उस पार्टी में ऊपर बैठे हुए नेता कैसे हैं। अगर वो नेता अच्छे हैं, देश का प्रदेश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, आपको ये गर्व होता हो कि हाँ इनके इन कामों से हमारा सीना चौड़ा होता है, तो वो अवास्तव में वो असली नेता है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी पार्टी में ऊपर बैठे हुए नेता मोदी है और योगी है, जिसने आम जनता के कामों को किया है और देश का सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाया है। इससे पहले भी बहुत लोग सत्ता में रहे, कांग्रेस रही, जनता दल रहा, सपा रही, बसपा रही। महिलाओं से भी जैसे सवाल कर लूं मैं थोड़ा सा, कि जहां जिनके घर शौचालय नहीं होंगे, जिन बस्ती में शौचालय नहीं होंगे, उनको या तो अंधेरा होने के बाद या सुबह पौ फटने से पहले शौच आदि के लिए जाना पड़ता होगा। किसने इस दर्द को समझा महिलाओं के, किसने समझा इस दर्द? क्या इससे पहले हुक्मरान नहीं आए? क्या इससे पहले मुख्यमंत्री नहीं बने? क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं बने? लेकिन किसने इस दर्द को समझा कि महिलाओं को यह दर्द कैसा होता होगा कि पौ फटने से पहले या तो जाए या अंधेरा होने के बाद जाए, बीच में यदि कोई ऐसा मौका आए तो क्या करें? उन्होंने शौचालय दिए घर घर और मोहल्ले मोहल्ले शौचालय बनवाए। इस दर्द को मोदी ने समझा, इस दर्द को योगी ने समझा और उसको नाम दिया इज्जत घर, जिससे कि महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहे। ये किया है हमारे नेताओं ने। जनधन योजना, जनधन योजना जो बनाई, न जाने कितने लोग ऐसे थे जो बैंक के दरवाजे पर चढ़े नहीं थे इससे पहले। सोचते थे कि बैंक में जाने का मतलब रईस और जमींदार लोग जाते होंगे,
लेकिन बिना पैसे के खाता खुलवाओ, जेब में पैसा नहीं है लेकिन खाता खुलवाओ, 100 रुपये तो खाता खोलेगी बैंक, 200 रुपये तो खाता खोलेगी, कुछ नहीं है तो भी खोलेगी। ये क्यों किया उन्होंने? हम भी सोचते थे कि आखिर इसका मकसद क्या है, लेकिन जब मालूम पड़ा कि कितना बड़ा काम किया है मोदी जी ने हमारे पड़ोस में, मैं जहां रहता हूं शंकर कॉलोनी है, वही एक वाल्मीकि बस्ती भी है, जब मैं विधायक मंत्री नहीं बना था विधायक था, तो वहां की एक महिला मेरे पास आई, वाल्मीकि समाज की थी, मुझसे बोली विधायक जी किसी से 5-6 हजार रुपए मुझे ब्याज पे दिलवा दीजिए, कोई साहूकार से ब्याज पे दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा क्या जरूरत पड़ गई आपको ऐसी? बोले मेरी बच्ची बीमार है, डॉक्टर कहता है कि मुश्किल है, 10-12 हजार रुपए लगेंगे इलाज में, मेरे पे 5-6 हजार कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा तुमने खाता खुलवाया है वो जनधन योजना वाला जो मोदी जी ने कहा है? तो बोले हाँ खुलवाया है, लेकिन उसमें पैसे नहीं है, 200-250 रुपए पड़े होंगे। मैंने कोई बात नहीं, खुलवाया कि नहीं खुलवाया? बोले खुलवाया है। मैंने कहा 5 हजार रुपए का उसका चेक काट के ले जाइए, बैंक मैनेजर उसमें 200 हो 250 हो 300 हो 5 हजार आपको देगा। ये व्यवस्था की है मोदी जी ने, फिर चुका दे रहा ना धीरे धीरे उसके पैसे को, लेकिन 5 हजार रुपए देगा, नहीं देता मुझे बताना। वो गई, 5 हजार रुपए मिले, आज उसके घर के आंगन में उसकी बच्ची की किलकारी गूंज रही है, उसकी उसके अच्छे दिन आएगी नहीं आएगी। अगर उसे 5 हजार रुपए कहीं से नहीं मिलते तो उसकी बच्ची नहीं रहती, जिंदगी भर खून के आंसू रोती वो, और अगर साहूकार के चक्कर में फंस जाती तो जिंदगी भर खून के आंसू रोती ब्याजिए के बारे। ये दिया है आम नीचे के व्यक्तियों को, गरीबों को मोदी ने, जो इससे पहले किसने सोचा उनके बारे में? इसलिए हम वोट मांगने का हक रखते हैं। कहीं अनुदान आया हो सरकारी सहायता जिसे बोलते हैं, कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी दैवीय आपदा आ जाती है, मकान गिर जाते हैं, तो सरकार सहायता देती है, सहायता देती है, तो सहायता देने वाला क्लर्क होता वो क्या करता था, लाओ इतना पैसा पहले मुझे दे जाओ, अगर 10 हजार की सहायता आई है तो 2 हजार मुझे दे जाओ, 8 हजार ले जाओ। कभी किसी ने बिना पैसे दिए पैसा लिया है सरकारी दफ्तरों से? नहीं लिया होगा। लेकिन अब जैसे ही सहायता आती है उसके खाते में पहुंचती है, बिचौलिए खत्म कर दिए, ये किया है मोदी, गरीबों का ये फायदा किया है मोदी ने, किसी और ने क्यों नहीं किया? वो भी तो सत्ता में रहे, वो भी तो हुक्मरान रहे इस प्रदेश के, इस देश के, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? मोदी ने क्यों सोचा? योगी ने क्यों सोचा? आप लोग जिनके यहां गैस का चूल्हा नहीं होगा, उनके कंडे से या लकड़ी से अंगीठी में खाना बनाते होंगे, माताएं बहनें, धुआं जाता है आंखों में, जाता है फेफड़ों में, जाता है नुकसान होता है शरीर का, उन माता बहनों के लिए किसी और ने क्यों नहीं सोचा? मोदी ने ही क्यों सोचा कि इनको फ्री में चूल्हा दिया जाए, फ्री में सिलेंडर दिया जाए? यह मोदी ने किया गरीबों के लिए, माता बहनों के लिए। अगर सुनाएंगे तो लंबा सिलसिला है, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास ये माँ या पिता ये रोते हुए कहते हैं कि मेरा बच्चा बच जाए, डॉक्टर चाहे घर घूरा बिक जाए, कहते नहीं कहते? या किसी की माँ बीमार हो तो बेटा कहता है डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लो, मेरे पिता को बचा लो, चाहे मेरा घर घूरा बिक जाए। क्यों? क्योंकि उसे अपना प्रियजन प्यारा होता है,
लेकिन पैसा नहीं हो तब क्या होगा? आयुष्मान कार्ड दिए गरीबों को उन्होंने, आयुष्मान कार्ड दिए, 5 लाख तक का इलाज सरकार उठाएगी उस गरीब का, जो उसके घर में कोई बीमार क्यों ना हो। इससे पहले इस गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? अपने खजाने भरने वाले हुक्मरान तो उस प्रदेश में आते रहे, देश में आते रहे, लेकिन गरीबों की इच्छा पूर्ति हो, उनकी जो आवश्यकता उसकी पूर्ति हो, ये नहीं सोचने वाले आए। मोदी आया और योगी आया। आगरा में ही पानी की समस्या थी, बरसों से पानी की समस्या चली आ रही थी। आप पहला ज्यादा भुगतति होंगी, 1-1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर जाकर पानी भर के लाती होंगी। पहले यमुना में पानी नहीं था, व्यवस्था नहीं हो रही थी। आप लोगों ने मुझे विधायक चुना, पहली बार मैंने संकल्प लिया, अहद लिया कि इसको पूरा करूंगा। और गंगा जल यहां से 150 किलोमीटर दूर से गंगा का पानी आगरा के लोगों के लिए लाया। 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास में तारीख बन गया जब मेरे नेता मोदी ने बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई। आज आपके घर में मेरी छोटी बोलते गंगा जल निकलता, जिस गंगा जल को लेने कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, कानपुर यहां जाते थे और उसमें बोतल में रखकर पूजा स्थान पर रखते थे, आज बोलते हैं हर हर गंगे करके नहाते हैं। ये दिया है हमारी हमारे नेता जैसा नेता कोई नहीं, मोदी और योगी जैसा, हमारे कामों जैसा काम किसी ने नहीं किया। और आपको जो प्रत्याशी दिया है हमने, वो हीरा आपने ये समाज सेवी भावना का कार्यकर्ता। जब तक गंगा जल नहीं आया था, ये पहली बार मेरे पास आया कि हमारे मोहल्ले में आप समर सेवी को लगवाइए, पानी की समस्या है। ये आया वहां की समस्या लेके मेरे पास, मैंने लगवाया। सामने आपकी और बस्ती है, वहां लगवाया। 3 समर सेबल पंप इसने अपने पूरे क्षेत्र में लगवाए थे मुझसे, जिससे आपकी पानी की समस्या दूर हो। ये आया बताने, इस पे दर्द था ना, इसको 1 लाख रुपया तो हम लोग विधायक ही तो चुनेंगे, सभासद तो चुनेंगे, जभी तो हमारा सब। तो हम पे कहना था, अभी हम पे एक साथी आए थे, चले गए। मैं पिछली चुनाव में आके उनसे कुछ वादा करके गया था, लेकिन आप लोग की दुआओं से मंत्री बन गया। आगरा में कम रहना होता है, बाहर जाता रहना होता है। वो बोले आप वादा करके गए थे, मैंने कहा हाँ मुझे याद है, याद आ गया दोबारा, मैं करूँगा। लेकिन मैं उनसे भी कह रहा हूँ, अगर यहाँ मौजूद हूँ भैया, मुझे पिन चुभोते रहना, पिन चुभोगे तो मेरे शरीर में हलचल मची। सारे जनता हीरा भैया के साथ है, हमारा विकास होना। मैं यही कह रहा है आप लोगों से कि हमारे नेता हमारे पास बढ़िया, इससे बढ़िया नेता किसी की पार्टी में नहीं। हमारे काम बढ़िया, इससे बढ़िया काम किसी ने काम नहीं किए। हम पर प्रत्याशी अच्छा, हम चाहते हमको मिले। आज देश तरक्की कर रहा है, प्रदेश तरक्की कर रहा है, आगरा भी तरक्की करे तो पार्षद भी आपका होगा, मेयर भी आपका होगा, तब आप तरक्की जल्दी होगी। तो इसलिए आप सब लोग चुनाव वाले दिन, गर्मी बहुत है, देखिए 10 बजे से पहले पहले वोट डाल दीजिए, पहले मतदान बाद में जलपान। अपना वोट डालिए, अपने घर वालों का डलवाइए, अपने रिश्तेदारों का डलवाइए, अपने जान पहचान वालों का डलवाइए, पड़ोसियों का डलवाइए कि वोट डालाओ भाई, जल्दी वोट डालाओ। जिसके वोट ज्यादा पड़ गए वह चुनाव जीते। तो 8 बजे से 10 बजे से पहले वोट डालने जाएं, संकल्प लें कि पहले मतदान करेंगे या वोट डालेंगे,
तब जलपान करेंगे यानी नाश्ता करेंगे बाद में, और दो बटन दबाने होंगे उसमें, एक मशीन में महापौर यानी मेयर का चुनाव होगा, दूसरी मशीन में पार्षद का चुनाव होगा। दोनों में कमल का बटन दबाएंगे, एक वोट इनको पड़ेगा, एक महापौर के लिए पड़ेगा, मेयर के लिए पड़ेगा। यही अनुरोध करने आए हूं आप लोगों के बीच, धन्यवाद। पानी पी लेने दो, पानी पी लेने दो, एक बार।